राजस्थान में औसतन लगभग 1500 के करीब मर्डर होते हैं, लेकिन 10,000 के लगभग एक्सीडेंट में लोग वर्ष में मर रहे हैं। लेकिन नया एक्ट आ रहा है तो आदमी को, अभी तक जो आदमी 100 रुपए दे रहा था वो हेलमेट के 1000 रुपए देगा। नया एक्ट राजस्थान में लागू नहीं हुआ अभी तक। सारे आम लड़कियां रास्ते से निकल जाते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, अगर रुकती भी है ट्रैफिक पुलिस रोकती भी है उन्हें तो बस ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना। तो ये इससे लड़कियों को आजादी मिलती है लेकिन लड़कों को ये नहीं। ट्रैफिक पुलिस पर जी सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं जी सर, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जिन लोगों द्वारा यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके द्वारा उन्हें रोका तो जाता है पर उनके एक फोन कॉल के कारण आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे हैं यातायात थाना प्रभारी कुलदीप जी चारण। आज शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में जानेंगे कुलदीप जी चारण से। कुलदीप जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे आप, कैसी है यातायात व्यवस्था शहर की? देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था, क्योंकि वाहन बढ़ते जा रहे हैं और सड़कें सिकुड़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो संतुलित है लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। आपने भी कहा कि सड़कें सिकुड़ दी जा रही है, तो सड़कें जो सिकुड़ दी जा रही है तो उसके लिए क्या यातायात विभाग दोषी नहीं है? देखिए, यातायात विभाग का दोषी का जो सवाल है उस पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सड़कों के चारों तरफ अतिक्रमण है, चाहे मार्केट में है चाहे मेन रोड में है, तो हम नगर परिषद के और UIT के संपर्क में है और शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जहां तक नगर परिषद और UIT अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो वो तो पक्का निर्माण कार्य करवाएंगे, लेकिन जो अस्थायी कब्जे दुकानदारों ने सामान सड़कों में रखा हुआ है उनको उठवाना यातायात विभाग का काम है जी। उसमें क्या है, जो सामान उठाया जाता है एक्चुअली वो जब्त होके इसका नियम है वो नगर परिषद या UIT ही जाता है, क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक में उसको रखने का कोई मालखाना वगैरह नहीं होता, क्योंकि यातायात शाखा है, तो उनसे हमारे संपर्क में शीघ्र ही, हमने अभी 7-8 दिन से लगातार समझाइश की है मार्केट में जाके, तो शीघ्र ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। लेकिन सर, आप तो यातायात विभाग में यहाँ पहले भी नियुक्त थे और ये आपको भी पता है कि इसमें सुधार नहीं हो रहा। आज हम गोल बाजार देखें या किसी भी मार्केट क्षेत्र में जाएं तो वहां दुकानदारों ने फुटपाथ के साथ साथ, दुकानदारों का अधिकार क्षेत्र दुकान तक है सीमित जहां निर्माण किया हुआ है, उन्होंने फुटपाथ के साथ साथ सड़क पर भी कब्जा किया हुआ है, तो वो किस कारण से कब्जा किया हुआ है? देखो, पहले मैं 2 महीने रहा ज्यादा, फिर मेरा प्रमोशन हो गया था तो मैं भरतपुर रेंज में चला गया था। अभी क्या हुआ कि इन दिनों में हमने लगभग, आप जाके देखेंगे अगर आज, तो हमने सारे बोर्ड हटवा दिए हैं, जो भी बोर्ड एडवर्टाइजिंग की दुकानों के बाहर थे वो सारे हटवा दिए हैं, और 1 तारीख या जो फर्स्ट सप्ताह जो आएगा हमारा, उससे हम लगभग सारा सामान, हमने DO की स्पेशल ड्यूटी लगाई है, उसका एक ही काम होगा, उसको गाड़ी दिए, आदमी दिए, और नगर परिषद से हमारी बात हुई, हम उसको पूरे को हटाएंगे। नहीं, अब तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई सर? ये दुकानदार जो है सड़क पर कब्जा करके बैठे हैं जिससे सड़क छोटी हो गई है और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं वो लोग। देखिए, जैसे दुकानों के आगे सामान है और वहां आके गाड़ियां खड़ी हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास क्रेन है और मोटरसाइकिल उठाने के लिए भी हम जल्द ही व्हीकल उसको उठाने की जो प्रोसेस है सर, शीघ्र ही आपको इस महीने में, जो सितंबर महीना है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट। इसके अलावा सर, अस्थायी दुकानें, आज हम देखते हैं रामलीला मैदान, इसके चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं और खुराना पैलेस के साथ देखे कंगन पैलेस के आगे तो एक अस्थायी चौपाटी बाजार शुरू हो गया है, नेहरू पार्क के चारों तरफ अस्थायी बाजार चल रहा है, तो ये अवैध कब्जे जो दुकानें चल रही है इनका क्या है? हम शीघ्र ही क्या वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जो भी है शहर में उनकी लिस्ट हम नगर परिषद से ले रहे हैं, शायद हमें सोमवार को मिल जाएगी, और उसके बाद में धीरे धीरे एक तरफ एक साथ पूरे शहर का तो नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे हम जोन वाइज कार्रवाई करेंगे। सर, ये अब तक व्यवस्था नहीं बन पाई, जो व्यवस्था बनाने की आप बात करते हो ये व्यवस्था अब तक नहीं बन पाई, इसके लिए क्या कमियां मानते हो, कहां कमियां मानते हो? मैं बताऊं सर, इसमें क्या इंटरेक्शन की थोड़ी सी कमी है, ज्यादा कोई कमी नहीं, व्यवस्था बन भी रही है, बनती भी है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें और सुधार की गुंजाइश आती है। तो अब हम व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, प्रेस का भी हम सहयोग ले रहे हैं, हम एक सलाहकार समिति बना रहे हैं जिसकी लिस्ट हम आपको जल्दी देंगे, जिसमें 20 आदमी हमने यातायात सलाहकार समिति थाना लेवल पे बनाई है,
उनको साथ लेके अब हम उनको कार्रवाई करेंगे। तो जितना जनता का जुड़ा होगा, जितना इंटरेक्शन होगा सर, जो काम जनता के सहयोग से हो सकता है वो अकेले नहीं हो सकता। नहीं, जनता ही अगर सहयोग करती तो ट्रैफिक पुलिस तो कार्रवाई करती। अभी मुझे सहयोग काफी मिला है। देखिए, अभी ये जो सड़क सुरक्षा अभियान चला, इसमें सभी स्कूलों के प्रिंसिपल जहां जहां हम गए, उन्होंने एश्योर किया है कि हम बच्चों को मोटरसाइकिलों से नहीं आने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है सर। जैसे नाबालिग बच्चे जो वाहन चला रहे हैं और उनके प्रिंसिपल हमें अश्योर कर रहे हैं, जैसे हम BDIS में गए, हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में गए, गुड शेफर्ड में गए, जहां भी गए, इसी हिसाब से जनता साथ आ रही है सर। सर, जिन स्कूलों के नाम लिया अभी आपने, वो स्कूल संचालक खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो ऐसे में क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो काम करेंगे? बिल्कुल, अभी उन्होंने अश्योर किया नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर। अच्छा सर, कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं हमारे शहर में, बस स्टैंड के पीछे अधिकतर कोचिंग सेंटर है, जिनके द्वारा पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहां आने वाले स्टूडेंट दोनों तरफ वाहन खड़ा कर देते हैं, तो जिससे आने जाने में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, पार्किंग की समस्या शहर की सबसे बड़ी समस्या है जो मैं समझता हूँ। इसके लिए अभी जो मीटिंग हुई थी किसी मान कलेक्टर महोदय ने ली थी, उसमें हमारे SP साहब थे। SP साहब इस पे बड़े गंभीर है। SP साहब के निर्देशानुसार पहले, आपको पता हो, जो गोदारा कॉलेज है वहां पार्किंग को उन्होंने वेंडिंग जोन घोषित करवा दिया। तो हमने उस मीटिंग में प्रस्ताव लिया, हम इसको नॉन वेंडिंग जोन, वहां पार्किंग होगी। इसके अलावा शेष जो पार्किंग, आपको पता है दीपावली में जो मटका चौक गर्ल्स स्कूल है वहां होती है, उसके लिए हमारा लेटर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा चुका है। तो शीघ्र ही आपको पार्किंग की समस्या से, जैसे ही वहां से हमें मिल जाएगी स्वीकृति, पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। अक्सर ट्रैफिक पुलिस पर जी सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जी सर, इस बारे में क्या कहूंगा मैं? ये देखो, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, और ट्रैफिक पुलिस पे ही नहीं, आरोप लगभग सभी डिपार्टमेंट्स पे लगते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस का क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है आम लोग पब्लिक से। आपका कोई ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है 24 घंटे और वो चालान कर रहा है, तो पब्लिक के मन में ये होगा कि ये एंट्री कर रहा है, ये इमेज है सर। इसको हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब जुर्माना भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसा कि नया एक्ट आ रहा है, तो आदमी को, अभी तक जो आदमी 100 रुपए दे रहा था वो हेलमेट के 1000 रुपए देगा, तो इमेज ये आ जाएगी कि नहीं, इसने मुझसे ज्यादा लिए। 185 में जब हम जब्त कर लेते हैं मोटरसाइकिल, तो वो घर जाके ये बोलता है कि मेरे से पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए, तो जब्त कर लिए। वो ये नहीं शो करता कि मैंने शराब पी रखी थी। तो इमेज में सुधार की आवश्यकता है, जनता से समन्वय होगा, इमेज अपने आप सुधरेगी। नया एक्ट राजस्थान में लागू नहीं हुआ अभी तक? नहीं, एक्चुअल में ऑल इंडिया में पारित तो हो गया, अब हम राजस्थान में संभवतः कल से लागू होने की संभावना है, शायद आज गजट नोटिफिकेशन। अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक हमारे पास ऑर्डर आए नहीं। अभी तक तो यही है कि पुराने रूल के मुताबिक, अभी आज तक हम वही जुर्माना ले रहे हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था में अक्सर भेदभाव के बारे में देखा जाता है कि लड़कों को तो रोका जाता है, स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाता है आपके द्वारा, लेकिन लड़कियों में स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया जाता, उनके साथ पोलाइटली बिहेव किया जाता है। नहीं, पोलाइटली बिहेव तो सभी के साथ करना चाहिए, लड़कों के साथ भी पोलाइट बिहेव तो मेन पार्ट है पुलिस का। अब हम वैसे व्यवहार नहीं कर सकते कि लड़कों को रूडली, सबसे पोलाइटली बात करें, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता आ रही है। हालांकि जहां तक आप समझते हो, जहां तक मेरा अनुभव है, लड़कियों की अपेक्षा जो यूथ के जो लड़के हैं वो अपनी गाड़ी थोड़ा सा तेज स्पीड में चलाते हैं, लड़कियां बनिस्बत कम चलाती हैं। दूसरा, व्हीकल्स ज्यादा लड़के चलाते हैं, अभी तक गंगानगर में लड़कियां इतना व्हीकल नहीं चलाती, तो अगर एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनको सुधार। इनका कहने का मतलब है कि जैसे लड़कों को तो रोकते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस, जबकि लड़कियां बेहिचक चली जाती है। लड़कियों को आजादी, कानून सबके लिए मैडम बराबर है, किसी के लिए कोई आजादी नहीं है। और आप देखेंगे, लड़के हो या लड़कियां, हेलमेट तो जो 1000 रुपए जुर्माना लड़के का है वही लड़की का है। सारे आम लड़कियां रास्ते से निकल जाते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, अगर रुकती भी है ट्रैफिक पुलिस, रोकती भी है उन्हें, तो बस ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो ये इससे लड़कियों को आजादी मिलती है लेकिन लड़कों को ये नहीं। अगर आपको ये लगता है कि लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं मिलनी चाहिए, तो हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। और सर, यातायात के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, यातायात मतलब के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ल्ड में 1,000,000 लोग पर ईयर एक्सीडेंट में मरते हैं। भारत में ये जो रेशियो है वो है 1.5 लाख, और राजस्थान का ये जो रेशियो है, राजस्थान में औसतन लगभग 1500 के करीब मर्डर होते हैं, लेकिन 10,000 के लगभग एक्सीडेंट में लोग वर्ष में मर रहे हैं। तो हम उन पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा, इसलिए ट्रैफिक सेंस डेवलप करना पड़ेगा सर।
ट्रैफिक सेंस डेवलप होगा तभी हम इन मुद्दों को रोक पाएंगे। और अकेला ही ट्रैफिक पुलिस अकेला ही ऐसा कर दे ये संभव नहीं है, इसके लिए सभी एजेंसीज, प्रेस, मीडिया, इन सभी को सहयोग करना पड़ेगा। गंगानगर में ट्रैफिक को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? देखो गंगानगर में ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए अभी जैसे सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, हम कुछ कट्स बंद कर रहे हैं। शायद ये जो आप वाली जो कट्स हम बंद कर रहे हैं। बाहर की जो लाइट्स है वो हमने शुरू कर दी, जो यूआईटी ने लाइट लगाई है। नगर परिषद की कुछ लाइटें बंद हैं, वो हम शीघ्र ही शुरू करवा देंगे। कुछ जाप्ता हालांकि अभी हमारे पास कम है, वो हमें मिल जाएगा एसपी साहब के निर्देशन में। ट्रैफिक में बहुत ज्यादा, जैसे उन्होंने पहले नशा मुक्ति पे और ट्रैफिक पे, दो पे ही उनका विशेष जोर है। तो आपको लगेगा कि जी जैसे गुमटियां बन गई, अब आपको गुमटियों पे बंदे दिखेंगे, अभी तक आपको नहीं दिखते थे, तो आप अगले महीने से देखेंगे गुमटियों में। हमने पूरे शहरों का सर्वे करवाया है अब तक कैसा, और एक महीने में हम क्या दे सकते हैं, ज्यादा तो नहीं पर आपको असर दिखेगा। शहर में नजर आएगा ट्रैफिक व्यवस्था, बिल्कुल। जिन लोगों द्वारा यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके द्वारा उन्हें रोका तो जाता है, पर उनके एक फोन कॉल के कारण आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है। देखिए फोन कॉल का मतलब ये है, कुछ लोगों को कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, और या किसी का बेटा बीमार है, या किसी के परिवार में एक्सीडेंट हो गया, तो उनको छोड़ना पड़ता है। ये एक मानवता भी पुलिस को दर्शानी पड़ते हैं, हम मानव भी हैं साथ में। तो वो लोगों को ये लगता है पता नहीं इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि वो फोन नहीं, वो केवल इतना समझता है ट्रैफिक कर्मी ने फोन सुना और उसको जाने दिया। इसका ये दूसरा पहलू भी है, इसमें यही नजर आता है ना किन दबाव के कारण यातायात। तो इसका हम प्रचार प्रसार आपके माध्यम से कर रहे हैं कि जो छोड़ते हैं उनका कई रीजनेबल कारण भी होते हैं। अब उसको छोड़ना ज्यादा जरूरी है कि हम उससे बहस करें, कागज दिखा, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, या उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, या घर पे मौत हो गई, तो तुरंत हम कहता साहब बात करो, तो हम उसको जाने देते हैं। चलो जी, हम भी ये उम्मीद करें कि शहर में आने वाले दिनों में व्यवस्था अच्छी नजर आएगी। जी आपका सहयोग होगा, जनता का सहयोग होगा, तो वास्तव में नजर आएगी। आप फाइटर रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे श्री गंगानगर यातायात पुलिस थाना प्रभारी कुलदीप जी चारण से। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again